मिडिल ईस्ट पे ईरान इस समय पे मिडिल ईस्ट का एक सुपर पावर बनकर उभर कर आ रहा है और दिन पर दिन ईरान का मिलिट्री काफी ज्यादा शक्तिशाली बनता जा रहा है। कुछ कुछ मामले में ईरान का टेक्नोलॉजी इतना कैपेबल है जो यूरोप और अमेरिका के टेक्नोलॉजी के तुलना में काफी ज्यादा कंपेरेबल कहा जाता है। स्पेशली ईरान का ड्रोन टेक्नोलॉजी जो काफी ज्यादा कंपेरेबल है। लास्ट गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद ईरान ने गाजा नाम का एक यूएवी को अनवील किया था जो ईरान का अब तक सबसे हेवी वेट स्ट्रेटेजिकल कॉम्बैट यूएवी है। जो यूएवी आने वाले वक्त में वर्ल्ड टॉप 10 कॉम्बैट यूएवी में गिना जाएगा और ये हेवीवेट कैटेगरी का यूएवी अमेरिका, इजराइल, तुर्की और चाइना के बाद ईरान पांचवा ऐसा देश है जो ये यूएवी बनाने में सक्षम हुआ और सक्सेसफुली मिलिट्री में इंडक्ट किया। इस समय पे ईरान का मिलिट्री कई डजन यूएवी को ऑपरेट कर रहा है जो कॉम्बैट यूएवी है जिसकी तादाद 500 से 700 यूनिट तक है और ईरान इस नंबर को 3 से 4000 यूनिट तक ले जाने का टारगेट किया है। और इस समय पे ईरान के पास ऐसा टॉप 10 यूएवीज है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसके रहते हुए ईरान मिडिल ईस्ट का एक सुपर पावर की तरफ बनता जा रहा है और जिसके रहते हुए ईरान का प्रभाव मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा शक्तिशाली बनता जा रहा है। इस वीडियो में ईरान के पास टॉप 10 कॉम्बैक्ट पावरफुल यूएवी के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ईरान का थोड़ा यूएवी का हिस्टोरिकल जर्नी के बारे में बताना जरूरी है। ईरान एक ऐसा देश है जो अमेरिका और इजराइल के बाद तीसरा सबसे पहला देश है जो ईरान सबसे पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी को हासिल करने में कामयाब हुआ। सबसे पहले अमेरिका 1965 में एक टारगेट ड्रोन को बनाने में कामयाब हुआ और इसका सक्सेसफुली इस्तेमाल किया 1973 इजराइल अरब वार में, और इस ड्रोन में मिला हुआ सफलता में दोनों देश काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और इस प्रभावित से इजराइल ड्रोन टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका सफलता के पूर्वक 1978 में इसराइल पहला IAI स्कोट खुद का बनाए हुआ कॉम्बैक्ट यूएवी को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। और इन सभी बातों के ऊपर ईरान का कड़ी निगरानी था और ईरान काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। 1980 में अपना ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाने का शुरू किया और ईरान का सफलता मिली 1984 में। 1985 में सक्सेसफुली टारगेट ड्रोन बनाने में कामयाब हुआ और 1985 में ईरान इराक ईरान वार में इस ड्रोन को काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया और यहाँ पे काफी ज्यादा सक्सेस मिला। इसके बाद 1987 में ईरान पहली बार खुद का बनाया हुआ कॉम्बैक्ट यूएवी बनाने में कामयाब हुआ जिसमें 6 RPG-7 रॉकेट को इस्तेमाल किया जा सकता था। ये यूएवी ईरान ने काफी सफलता पूर्वक इस्तेमाल किया और इसमें काफी ज्यादा सफलता मिली। तब से लेकर अब तक ईरान का ड्रोन टेक्नोलॉजी जारी है और इसके अलावा ईरान का बैक सपोर्ट इस समय पे दे रहा है तुर्की, चाइना और रशिया जो इस समय पे ड्रोन टेक्नोलॉजी के मुकाबले में काफी ज्यादा शक्तिशाली है। और सबसे हैरान करने की बात, ईरान उस समय पे ये ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था जिस समय पे सिर्फ अमेरिका और इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद था। ईरान का टॉप 10 कॉम्बैक्ट यूएवी को दिखाने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में कितना ज्यादा शक्तिशाली और कैपेबिलिटी हासिल कर चुका है। 2018 में ईरान एक टारगेट यूएवी को अनवील किया था जिसका नाम मोबिन है और इसका मास वेट 670 किलोग्राम और ये यूएवी 120 केजी तक पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटीज है। मोबिन यूएवी 900 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से 45,000 फीट ऊंचाई पर 45 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसका रेंज 450 किलोमीटर तक और RCS 0.01 मीटर पर स्क्वायर। और ये सभी इन्फॉर्मेशन इसराइल का जेरूसलम पोस्ट न्यूज चैनल के द्वारा कन्फर्म किया गया है। और इसके साथ इस न्यूज चैनल में और एक बात बताया गया था, ईरान इस ड्रोन को बनाने से ईरान का 3 तरह का कैपेबिलिटी हासिल कर चुका है, जैसे कि इस ड्रोन से टारगेट ड्रोन, क्रूज मिसाइल और रॉकेट आर्टिलरी को इस्तेमाल किया जा सकता है ये ड्रोन से। तो गाइस आप देख सकते हो ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में कितना ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल बन चुका है और आप देखेंगे ईरान का एक्चुअल टॉप 10 कॉम्बैक्ट यूएवी को। चलिए आप जान लेते हैं ईरान का टॉप 10 कॉम्बैक्ट यूएवी के बारे में। सबसे पहले नंबर 10 कुड मुआज़े 6, ये ईरान का सबसे पहला टारगेट ड्रोन मुआज़ेर यूएवी का एक लेटेस्ट और अपग्रेडेड वेरिएंट है। कुड मुआज़े 6 कई सारा का मल्टीमिशन कर सकता है इसलिए ये एक मल्टीमिशन यूएवी है। और कुड मुआज़े 6 ईरान ज्यादातर देश के अंदर ही इस्तेमाल करता है, जैसे कि बॉर्डर के ऊपर निगरानी रखना,
देश के अंदर टेरर ग्रुप के ऊपर और रेबेल ग्रुप के ऊपर किसी भी कार्रवाई करना। कूड मॉडजर यूएवी का प्रोड्यूस 1980 से हो रहा है और इसका फर्स्ट फ्लाइट 1985 में किया गया था और 1985 में मॉडजर यूएवी को ईरान अपने मिलिट्री में शामिल किया था। कूड मॉडजर अब तक 400 यूनिट बनाया जा चुका है जिसमें कूड मॉडजर 6 60 से 70 यूनिट बनाया जा चुका है और इस बार सीरिया वेनेजुएला और हिजबुल्ला के आर्मी के द्वारा कूड मॉडजर यूएवी इस्तेमाल किया जा रहा है। कूड मॉडजर का मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर, इसका रेंज 200 किलोमीटर और इसका एंड्योरेंस टाइम 12 घंटे। कूड मॉडजर 18,000 फीट तक उड़ने में कैपेबल है। कूड मॉडजर का टोटल वेट 600 केजी जिसमें 2 हार्ड पॉइंट लगाया गया है और कूड मॉडजर 80 केजी पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटी है। इसके अलावा कूड मॉडजर 6 एक मल्टी मिशन यूएवी है, इसमें कई तरह का एडवांस सेंसर और राडार को इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए कूड मॉडजर 6 को इस्तेमाल किया जाता है, लेजर रेंज फाइंडर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजर, कम्युनिकेशन जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुइट, इलेक्ट्रॉनिक जैमर जैसा सेंसर को इसमें इस्तेमाल किया गया है। कूड मॉडजर आज तक 940 मिशन में हिस्सा ले चुका है। नंबर 9 अबाबिल 3। कूड मॉडजर यूएवी से सक्सेस मिलने के बाद ईरान 1980 में ईरान कूड मॉडजर यूएवी से सक्सेस मिलने के बाद और एक नया यूएवी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो है अबाबिल प्रोजेक्ट, और अबाबिल 3 अबाबिल सीरीज का सबसे लेटेस्ट और एडवांस वेरिएंट है। अबाबिल 1980 से प्रोड्यूस किया जा रहा है और इसका फर्स्ट फ्लाइट 1986 में किया गया था। अबाबिल आज तक 370 यूनिट से भी ज्यादा यूनिट बनाया जा चुका है और जिसमें अबाबिल 3 का 40 से 50 यूनिट बनाया जा चुका है। अबाबिल का यूजर लिस्ट काफी ज्यादा लंबा है, जैसा कि सूडान, सीरिया, इराक, हमास, हुती, हिजबुल्ला, किताबुल हिजबुल्ला, लीबियन नेशनल आर्मी के द्वारा अबाबिल यूएवी को इस्तेमाल किया जा रहा है। अबाबिल यूएवी का मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर, इसका रेंज 150 किलोमीटर। अबाबिल 3 का सर्विस सीलिंग 16,000 फीट, इसका एंड्योरेंस टाइम 4 घंटे। अबाबिल यूएवी आज तक बहुत सारा बड़ा बड़ा मिशन में हिस्सा ले चुका है, जैसा कि 2006 में लेबनान वार, 2008 में सूडान वार और 2009 से 2014 तक इराक वार, 2012 से अब तक सीरिया वार, 2014 में हमास और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट और 2021 में हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, और इसके अलावा अबाबिल 2 यूएवी ईरान इराक वार जो एक मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा फुल स्केल वार है उसमें हिस्सा ले चुका है और इसमें काफी ज्यादा सक्सेस अबाबिल यूएवी के द्वारा ईरान को मिल चुका है। नंबर 8 हेसा हमास यूएवी। ये यूएवी ईरान का एक टैक्टिकल यूएवी है और ये यूएवी 2013 से ईरान प्रोड्यूस कर रहा है और आज तक इसका 13 यूनिट बनाया जा चुका है। इस यूएवी का एमटी वेट 230 केजी, इसका ग्रॉस वेट 435 केजी और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 550 केजी तक है। ये यूएवी 80 से 90 केजी तक पेलोड कैरी करने के कैपेबिलिटीज है। इसका मैक्सिमम स्पीड 194 किलोमीटर पर आवर और इस यूएवी का क्रूज स्पीड 165 किलोमीटर पर आवर और इसका कॉम्बैक्ट रेंज 200 किलोमीटर और इसका एंड्योरेंस टाइम 11 घंटे और ये 15,000 फीट ऊंचाई पे उड़ने की कैपेबिलिटीज है। और ये यूएवी ईरान का एक टैक्टिकल सर्वेलेंस यूएवी है और इसके साथ जरूरत पड़ने पर ईरान इसको कॉम्बैक्ट यूएवी में कन्वर्ट कर सकता है। ये एक मल्टी मिशन यूएवी है। नंबर 7 कमान 12। ये ईरान का सबसे लेटेस्ट और सबसे अपग्रेडेड टैक्टिकल कॉम्बैक्ट यूएवी में से एक यूएवी है और इसके बारे में ईरान ज्यादातर बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखा है और इसके बारे में कुछ भी ज्यादा इंफॉर्मेशन और पब्लिकली इसके बारे में कुछ ज्यादा ईरान रिलीज नहीं करता है और इसके बारे में कुछ डिस्कस भी नहीं करता है। कमान 12 यूएवी को 2019 में ईरान इंट्रोड्यूस कराया था दुनिया के सामने। यह यूएवी आज तक 30 यूनिट से भी ज्यादा यूनिट बनाया जा चुका है और कमान 12 यूएवी का मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर, इसका एंड्योरेंस टाइम 10 घंटा, कमान 12 यूएवी का रेंज 1000 किलोमीटर, इसका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 100 केजी तक है, कमान 12 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 450 केजी तक है। गाइस ये जो चारों यूएवी आप देख रहे हो ये ईरान का टैक्टिकल यूएवी यूनिट में शामिल है। ईरान का यूएवी दो यूनिट में बटा है, एक टैक्टिकल और एक स्ट्रेटजिकल, और ये चारों टैक्टिकल यूनिट में बनाया गया है और खास करके इन सभी यूएवी को बनाया गया है ईरान के अंदर किसी भी छोटा या बड़ा अंजाम को कार्रवाई देने के लिए और किसी भी हालात को कंट्रोल करने के लिए ये यूएवी ईरान ने बनाए हैं और ये बहुत ही ज्यादा लो कॉस्ट इफेक्टिव यूएवी है। दूसरी तरफ आगे जो यूएवी के बारे में हम आपको बताएंगे, ईरान उसको स्ट्रेटेजिकल यूएवी के तौर पर बनाया है जो दूसरे देश के ऊपर किसी भी कार्रवाई करने के लिए एकदम परफेक्ट एक मेल यूएवी है जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है। नंबर 5 सीमॉर्क यूएवी। ये यूएवी ईरान का शायद 129 का एक अपग्रेडेड और एडवांस नेवल वेरिएंट है जिसको ईरान स्पेशली बनाया है नेवल पर्पस के लिए और ईरानी नेवी इसको इस्तेमाल करता है। 2020 में इसका इन सर्विस हुआ था और ईरान ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 2019 में
और ये यूएवी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये इस यूएवी का इंड्योरेंस टाइम 24 घंटे, और ये यूएवी 1500 किलोमीटर रेंज रखता है, और इसका सर्विस सीलिंग 25,000 फीट तक है, और ये यूएवी 4 बॉम्ब को कैरी करने की कैपेबिलिटीज है। नंबर 5 IAIO फोर्ट्रोस, ये यूएवी ईरान इजरायली का हेरॉन टीपी यूएवी से प्रभावित होकर बनाया है, और ये यूएवी ईरान का सबसे हेवीवेट कैटेगरी में से एक यूएवीज है, और ये यूएवी जनरली इस टाइम पे सर्वेलांस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मगर ये यूएवी का बहुत जल्द एक कॉम्बैक्ट वेरिएंट बहुत ही जल्द लाने वाला है। इस यूएवी का फास्ट फ्लाइट किया गया था 2013 में, इस यूएवी का इन सर्विस हुआ था 2020 में। इस यूएवी का रेंज 2000 किलोमीटर, इसका इंड्योरेंस टाइम 16 से 30 घंटे तक हो सकता है, और इसका सर्विस सीलिंग 25,000 फीट। नंबर 4 शायद S171 और S191। इस यूएवी को आप कह सकते हो ईरान का मोस्ट एडवांस यूएवी है इस समय पर, और ये यूएवी ईरान का सर्वेलांस के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है, और ये यूएवी ईरान बिल्कुल ही सीक्रेट की तौर पर रखा है, सिर्फ 2 या 3 फुटेज पब्लिकली रिलीज किया है, मगर इसका पुष्टि इसराइल ने खुद किया है। जब 2018 में ईरान और इसराइल के साथ एक क्लैश हुआ था, उस क्लैश के दौरान इस यूएवी को इस्तेमाल किया गया था। ये यूएवी एक्चुअल ईरान ने सबसे पहले यूएस का एक RQ-171 यूएवीज को कैप्चर किया था, जिसका रिवर्स इंजीनियरिंग ये यूएवीज है, और इसका एक बहुत ही जल्द कॉम्बैक्ट वेरिएंट आने वाला है, और ईरान इसके लिए बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली काम कर रहा है, और इसका साथ दे रहा है रशिया और चाइना। इस यूएवी का सबसे पहले फास्ट फ्लाइट किया गया था 2014 में। ईरान इस यूएवी को प्रोड्यूस कर रहा है 2010 से। इसका स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर और इसका एंड्योरेंस टाइम 4.5 घंटे तक हो सकता है, और S191 वेरिएंट का सर्विस सीलिंग 40,000 फीट तक हो सकता है, ये कई डिफेंस एक्सपर्ट ये क्लेम कर रहा है, और ये ईरान के पास काफी मात्रा में मौजूद है, ये भी कई डिफेंस एक्सपर्ट ये क्लेम कर रहा है। नंबर 3 पे है ईरान का शायद 129 यूएवी, और ये यूएवी ईरान का सबसे डेडलीस्ट यूएवी में से एक यूएवी माना जाता है। इस यूएवी को अमेरिकन MQ-1, इजरायली हार्मेस 900, टर्किश टायंका और चाइनीज विनलॉन्ग 2 और CH-4 यूएवी का कंपेरेबल यूएवी माना जाता है। फर्स्ट फ्लाइट किया गया था 2012 में, और ये यूएवी आज तक 40 यूनिट तक बनाया जा चुका है। शायद 129 यूएवी का रेंज 1700 किलोमीटर और इसका फेरी रेंज 3400 किलोमीटर, शायद 129 का इंड्योरेंस टाइम 24 घंटे और इसका सर्विस सीलिंग 25,000 फीट, मैक्सिमम स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर और इसका क्रूजिंग स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोग्राम पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटीज है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेज सेंसर इसमें लगाया गया है, और इसमें कई तरह का और भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इसमें लगाया गया है। नंबर 2 में है Command-22 यूएवी। Command-22 Command-12 का एक अपग्रेडेड कॉम्बैक्ट वेरिएंट है। Command-22 का फर्स्ट फ्लाइट किया गया था 2021 में 24 फरवरी। इसका रेंज बताया जाता है 3000 किलोमीटर और इसका पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटी 300 केजी तक है। कई डिफेंस एक्सपर्ट ये क्लेम करता है Command-22 का इंड्योरेंस टाइम 24 से 30 घंटे तक हो सकता है, और इसका एल्टीट्यूड 22 से 30,000 फीट ऊंचाई तक हो सकता है। इस लिस्ट का सबसे आखिरी नंबर 1 जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, उसका नाम है गाजा यूएवी। गाजा यूएवी का फर्स्ट फ्लाइट किया गया था 2021 में। गाजा यूएवी का विंग स्पैन 21 मीटर है और इसका रेंज 2000 किलोमीटर बताया जाता है, और गाजा यूएवी का स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर, गाजा यूएवी का क्रूज स्पीड बताया जाता है 270 किलोमीटर पर आवर, गाजा यूएवी का इंड्योरेंस टाइम 35 घंटे और गाजा यूएवी 35,000 फीट ऊंचाई में उड़ने की कैपेबिलिटीज है, और इसके साथ गाजा यूएवी में 750 kg तक पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटीज है, और इसमें 13 बॉम्ब को कैरी किया जा सकता है। फ्यूचर में गाजा यूएवी से एयर टू एयर मिसाइल फायर किया जा सकेगा, और इसलिए ईरान इसके ऊपर काफी ज्यादा डेवलपिंग कर रहा है और इसके ऊपर काफी ज्यादा काम चल रहा है। तो गाइस ये था ईरान का टॉप 10 कॉम्बैक्ट यूएवी लिस्ट, और इसके साथ ईरान और एक नया यूएवी डेवलप कर रहा है जिसका नाम है सॉफरी माही, और ये यूएवी 2010 में मिलिट्री पैरेड में दिखाया गया था। तो गाइस ये था ईरान के यूएवी के बारे में थोड़ा सा जानकारी, और उम्मीद करता हूँ इस जानकारी मिलने के बाद आपका नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, और इसके अलावा अगर कोई चूक हो गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, देखेंगे।